नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की सबसे नई नवीनतम बुक समान ज्ञान का सार संग्रह। दोस्तों, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें 20,500 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं और सारे प्रश्नों को प्रश्नोत्तर के रूप में दिया है, वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर के रूप में दिया है। एक ही लाइन में क्वेश्चन और सामने उसका आंसर दिया है। दोस्तों, इसकी जो कवरेज है वो देख लेते हैं। इसमें दिया है विशेष आकर्षण इसके हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विविध खेलकूद अद्यतन, राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, सामान्य विज्ञान एवं कृषि, खेलकूद और प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो दोस्तों, ये आपका फिक्स जीके को तो कवर करता ही है, साथ में इसमें जैसे खेलकूद है इसकी अपडेटेड नॉलेज दी हुई है, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम दिए हैं। तो दोस्तों, ये साथ में करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा पार्ट लिए हुए है। तो दोस्तों, ये द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक है और इसका जो प्राइस है वो 150 है, फिक्स प्राइस है इसका। देख लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या कवर किया है। ये इसका कंटेंट दिया है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं कृषि, विविध खेलकूद, खेलकूद अद्यतन, प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो दोस्तों, मैं आपको इसका टॉपिक दिखाने वाला हूं अंदर की किस तरह की प्रेजेंटेशन है, तो पूरा वीडियो में बने रहिए। देख लेते हैं कि किस तरह की कवरेज है। तो ये सबसे पहले देखें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का सेक्शन दिया है। दोस्तों देखें, इसमें इस तरह से दिया है, जैसे ये पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है और उसके सामने इसका आंसर दिया है 5 नवंबर 1556, अकबर एवं हेमू। तो दोस्तों, क्वेश्चन और आंसर, प्रश्न और उत्तर आमने सामने दिए हैं और आंसर को इन्होंने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर से, तो आपको थोड़ा सा आसानी होती है क्वेश्चन और आंसर को अलग अलग करने में। तो इसी तरह से देखें आप, ये भारतीय इतिहास और संस्कृति का ये पूरा सेक्शन दिया है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे हुए, बहुत सारे एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है एक तरह से। तो ये जो वन लाइनर बनाया हुआ है ये अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसी तरह से आप देखते जाइए, इतिहास का सेक्शन चल रहा है, देखते जाइए प्राचीन के बाद, ये अभी प्राचीन चल रहा है, मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता, उसके बाद थोड़ा सा और आगे आए हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इसके बाद चंदेल वंश, मुगल वंश पे आ गए हैं, बाबर, अकबर, ये सारे चल रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से दोस्तों, ये इतिहास का सेक्शन देखें आप, काफ़ी क्वेश्चन आंसर दिए हैं इस तरह से और इसके मैं कई सारे पेज निकाल दूँ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के, तो आगे का सेक्शन आपको दिखाता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दिया है ये बाद में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, और उसके बाद ये सेक्शन है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों देखें, इसमें इस सेक्शन में जो आपको दिख रहा है वो इसी तरह से वन लाइनर दिया हुआ है। अगर इसकी मोटाई की बात करें हम, तो ये 350 की बुक है। इसका लास्ट पेज नंबर अगर आप देखें तो ये दिया है 352, सबसे लास्ट पेज दिया है 352। तो दोस्तों, इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।